अरे वाव, खा लो। कुणाल तू कौन सी लेके आया? तो गाइस आज है आइसक्रीम पार्टी, है ना परी? किस खुशी में? आप पास हो गए? तो भाई परी पास हो गई है, बस ड्यूजन से। और आइसक्रीम पार्टी किसने कराई? आइसक्रीम पार्टी भाई दीदी ने कराई है। और किसने मंगाई है? बुआ ने। बुआ ने। तो भाई सबकी मुस्कान की खत्म हो गई यार। मुस्कान की वनीला थी और कुणाल की बॉडी लाल थी। और मम्मी की कौन सी थी? मम्मी की भी मतलब चॉकलेट वाली थी। और मेरी मैंगो जो मुझे बहुत पसंद है। भैया भाभी भी आ रहे हैं अभी, तो भाई हम सब लोग है ना एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को। कार्तिक आ गया, इसको देखो भाई क्या ही है, क्या ही है। कभी व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 10 बजे, ये देखो 10 बज चुके हैं। और आज जो मैंने वीडियो शूट किया था, हम लोग गए थे घूमने, तो वहाँ की वीडियो एडिट करेंगे और कल सुबह जल्दी आ जाएगी आप सब लोगों के पास। तो भाई मेरी आइसक्रीम भी नहीं छोड़ने बच्चे लोग। लो कार्तिक, कार्तिक मेरे बेटे, यम्मी यम्मी। किसने मंगाई? बुआ ने। अरे वाह। तो परी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अभी मैंने पानी ले लिया है। उसके बाद हम क्या लेने वाले हैं वो दिखाएंगे आपको। और तो मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं लिए, ओनली से मेरी जो दवाई है वो ली है मैंने और पानी पिया है। तो ये देखिए समय, देखिए। तो चलते हैं, मैंने क्या बनाया वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस मैंने स्प्राउट की चाट बनाई है सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए सब लोगों के लिए। और बहुत इजी है, सब अपने अपने घर में वैसे बना के खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, चाट मसाला, काला नमक, यही सब कुछ डला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैंने सब लोगों के लिए बनाया है। मुस्कान खाएगी चाट? खाई खाई। तो गाइस दीदी आने वाली है अभी, दीदी रेडी हो रही है क्योंकि जॉब के लिए। तो दीदी रेडी होती है जब तक चाय वाय देख लेते हैं, बात करते। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो इधर इधर देखो, कैमरे की तरफ देखो, सब लोगों को बोलो गुड मॉर्निंग। देखो इधर देखो, मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया, इधर देखो पहले। अरे मेरे बच्चे नन है, चलो किची दे दो, चाचू को किची दे दो, पहले किची दो, किसी दे दो, एक और दे दो। अब सब लोगों को बोलो सब लोग कैसे हैं। हेलो सब लोग कैसे हैं? ये देखो ऐसे करता ही है ना। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? तो क्या खा रहे हो पहले ही बताओ। वाओ, ओरियो बिस्किट खाओगे आप? परी आपको ओरियो बिस्किट नहीं खाने चाहिए ना, क्योंकि आपके यहाँ पे दर्द है ना। अब नहीं हो रहा, ठीक हो गया। ओके अब अपन क्या पियेंगे? दूध और चाय। आप दूध लेना और मैं चाय, है ना। और मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया वो भी खा के बताना कैसा बनाया, ठीक है? चले चलो। चाय आ चुकी है और अपने ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, ये देखो। तो अपना ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, तो इसको टेस्ट करके बताते हैं भाई कैसा बना ये। तो गाइस मैंने ले लिया भाई एक बाइट। अच्छा बनाया। तो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई दोपहर हो चुकी है, स्टार्ट 12 बज चुके हैं। और सुबह से मैंने स्प्राउट लिए थे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, थोड़े से लिए थे। और आधा कप मैंने चाय ले ली थी सुबह, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैंने जस्ट नहाया है, अब नहाने के बाद खाना पीना करते हैं और खाने में क्या है वो दिखाते हैं आपको। और कल हम लोग गए थे बाहर शूट करने, घूमने गए थे हम सब लोग, सारे फ्रेंड्स गए थे। तो कल मैंने पूरे दिन में हम सब लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि घूमने में हम लोग इतने व्यस्त हो गए थे, एंजॉय करने में।
तो शाम को खाना खाया हम सब लोग 6:30 बजे। तो दिन में कल मैंने एक ही बार खाना लिया था और कुछ भी नहीं लिया। तो जैसे मैं अभी इस वक्त डाइट पे हूँ, तो आज भी हम लेते हैं और शाम को देखते हैं शाम को क्या लेना होता है, तभी खाने में क्या क्या है वो दिखाते हैं आप। चलो चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइज ये है जीरा राइस और साथ में भाई मेरी फेवरेट सब्जी है, इसको क्या कहते हैं, मूंग छोला, बिरिया भी कहते हैं इसको। तो ये लेंगे अपन साथ में। और साथ में क्या है सलाद में, सलाद में भाई प्याज है जो मैंने पानी के अंदर भिगो दिए थे, तभी बहुत मीठे लगेंगे। साथ में मैंने रायता भी बनाया है तो रायता भी लेंगे एक गिलास। अपना खाना लग चुका है तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यार। तो गाइस अपन लेते हैं भाई एक बाइट। तो ये आधी प्लेट से भी कम है, वैसे प्लेट छोटी तो इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा लग रहा होगा। तो एक बाइट लेते सुपर यार, मजा। तो बूंदी रायता बनाते हैं, मुझे मिर्ची मसाला बिल्कुल कम अच्छा लगता है उसके अंदर, और डाइट के अंदर बेस्ट ऑप्शन है वो। ये देखिए रंगत इसकी, मिर्ची विर्ची कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा ये लिए मैंने, थोड़ा सा प्याज और ये बस, ये आज का खाना अपना। हाँ हाँ आप भी खा रहे हो, ठीक है भाई। ये तो गाइस अभी समय हो चुका है भाई, 4 बजने वाले हैं और ये देखिए, और मेरे को लगी है भूख, कुछ फल सब खत्म हो चुके हैं। अभी देखा हमने फ्रिज में और यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, तो अब क्या खाएं। बट मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली 1 कप, तो बिस्किट खाएंगे चाय के साथ। चाय और बिस्किट खाते हैं और ये पेट थोड़ा सा खाली है। फिनिश। तो गाइस मैंने ये आधा कप चाय बनाया था बिल्कुल कड़क कम मीठा, और 4 बिस्किट लिए मैंने, और बिस्किट मैंने आटे वाले लिए हैं, मैदा वाले कुछ भी नहीं लिए मैंने, क्योंकि वही डाइट में ना आटे वाले बिस्किट। फिर सब लोगों को कुछ दिखाना है, देखो क्या हो रहा है। क्या लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे कार्तिक, कार्तिक क्या है ये? लो 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 लो, पिटाई हो गई, पिटाई। तो गाइस देखो मुस्कान से तो एक ही बार थी और ये रोने लग गया, और ये मुस्कान के कितनी देर तक देता रहा, देखो गंदे बच्चे, ओ गंदे बच्चे, कार्तिक गंदा बच्चा है। गाइस अभी समय हो चुका है भाई 10:05 बजने में। तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं डॉक्टर के से जाके, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि हम लोग डॉक्टर के गए हुए थे, और ये वाला फोन यहीं पे था घर पे, क्योंकि इसमें चार्ज कम था, तो मुझे वीडियो एडिट करनी थी तो मैंने यहीं पे घर पे छोड़ दिया। मुझे लगा भाई हम लोग 1 घंटे में आ जाएंगे, बट हमें लग गए 3 घंटे, 3 घंटे बिना से तो 2.5 घंटे तो हमें लगे ही लगे हैं। तो फोन मेरा यहीं पे था, और ये देखो दवाई है यार, मैंने सोचा कि मेरी दवाई कम होगी, बट मेरी दवाई देखो कितनी सारी दवाई है, ये देखो। और चेकअप हुआ तो आप सब लोगों को बता दूं भाई, बीपी थोड़ा सा लो था, और दवाइयाँ दिखाते हैं आपको कितनी सारी दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने। मैंने सोचा था कि पहले दवाई 3 थी तो भाई दवाई अब 2 हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और इतना महंगा डॉक्टर है, इतने सारे पैसे ले लिए। अभी खोलते हैं इसको पहले ना, बहुत ज़्यादा टाइट है, गया है एक हाथ से यार, कुछ भी नहीं होता भाई मुझसे तो, एक हाथ से कुछ भी नहीं होता। देखो इसमें दवाइयाँ, ये तो पर्ची है, तो मैं पर्ची से आपको बता दूं भाई कितने की आई है मेरी दवाई, 2800 मतलब 2900 रुपये मान लो, 3 रुपये को तो क्या गिनोगे आप, 200 रुपये की अलग से, ये है मतलब 3200 रुपये लग गए यार। तो ये है, और ये क्यों है मैं आपको बता दूं, बैंडेज दी है डॉक्टर ने 2 इंच की,
ये मेरे हाथ में बहुत दिनों से, जब मैंने जिम ज्वाइन की थी ना, तो उससे पहले से मेरे हल्का हल्का दर्द था, बट मैंने जिम ज्वाइन की और उस बीच में मैंने बहुत सारा काम भी किया, तो मेरे इस हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो अभी चेकअप हुआ क्योंकि मेरा दर्द जा नहीं रहा था। और कल हम लोग शूट पे भी गए थे, तो वहाँ पे मेरे को ना गाड़ी चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। और दो दिन पहले मैंने ब्लॉग शूट कर किया था राजा पार्क का, तो वहाँ पे भी मेरे को है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी हाथ की वजह से, हाथ में और एक पैर में। तो पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, और हाथ में भी है, यहाँ पे स्वेलिंग है, ये देखो नस है, तो यहाँ पे बंधेगी। तब भी तो बांधना नहीं है, पट्टी को भी बांधना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि भाई नाइट में नहीं बांधना इसको, ओनली सिर्फ दिन के अंदर बांधना है, पूरे दिन में बांध के रखना है, कवर करके रखना है हाथ को। और देखो दवाई दिखाते हैं आप सब लोगों को, देखो दवाई, इतनी सारी दवाइयाँ, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये देखो। तो भाई इतनी सारी दवाइयाँ आई है, इतनी सारी दवाइयाँ है, एक दवाई और है, कहाँ गई? ये है थायराइड की, जो मेरे को निकला है थोड़ा सा थायराइड, जिससे मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया आप सब लोगों को। तो भाई पूरी जानकारी देते हैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग मेरी यूट्यूबर फैमिली हो, तो इसलिए दवाई लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, वीडियो को एंड करेंगे। तो इस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब लोग यार लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, और जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को शेयर भी कर दिया करो सब लोगों को, जिससे मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए। अब 5-6 महीना चल रहा है, मई चल रही है, तो दिवाली को 6 महीना है, 6 महीने में यार मुझे कम से कम थोड़ा ऊपर तो लेके जाओ आप सब लोग, 500 में अटका रखे हो यार, 600 भी कम्प्लीट नहीं हुए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जल्दी जल्दी बढ़वाओ, और फिर अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आप सब लोगों के लिए। देखो वीडियो अभी तक मैंने स्टॉप नहीं किया, दवाइयाँ लेते लेते भी मेरी वीडियो डेली आप सब लोगों के पास आ ही रही है, चाहे एक दिन ही चूक रहा हो, वो भी ये अपलोडिंग की वजह से हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी एक दिन जो बीच में भी छूट गया ना, जो कल की वीडियो आज सब लोगों के पास शाम को आई है, तो कल की वीडियो मैंने कल ही एडिट कर ली थी नाइट में, मुझे 1 बज गया था मुझे 3 घंटे लगे थे मुझे एडिट करने, 3 या 4 घंटे ये वीडियो मैंने एडिट कर ली थी और अपलोडिंग को छोड़ भी दी थी, तो पूरी तो रात और पूरा दिन ले ली अपलोड होने में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नींद आनी बड़ी जोर से, तो सोते हैं।